श्योपुर में आज तेजा फेंकने की घटना को लेकर जनता से लेकर जनप्रतिनिधियों तक में दिखा आक्रोश। जिला मुख्यालय के अंतर्गत ग्राम हिरणीखेड़ा में किसान सीताराम मीणा के साथ हुई तेजाब डालने की घटना को लेकर आज कलेक्टर परिसर में जमकर नारेबाजी के साथ रासुका से लेकर बुलडोजर चलाने और अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और सजा के लिए आज कलेक्टर शिवम वर्मा को ज्ञापन दिया है, जहां उक्त मामले को लेकर कलेक्टर ने संज्ञान में लेकर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। अपराधी को जल्द से जल्द कार्रवाई कर गिरफ्तार किया जाएगा। लोगों का ये भी कहना है कि ऐसी घटना शिवपुर जिले में पहली बार हुई है, अगर ऐसी घटना को नहीं रोका गया तो आगे भी ऐसी घटना होती रहेगी। इसको लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि लोग अपराधी हैं, उन पर रासुका लगाकर और उनके मकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। साथ ही कलेक्टर शिवम वर्मा ने आश्वासन दिया है कि उक्त अपराधी पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। श्योपुर से गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। कलेक्टर को जो आवेदन दिया है किस बेस पे दिया है? हमारे गाँव हिरणीखेड़ा के एक किसान जो की अपनी भैंसों को ढूंढने जा रहे थे, रात में 3 बदमाशों ने उनको पकड़कर और उनके ऊपर एसिड का हमला किया। पुलिस ने उन अपराधियों को तो पकड़ लिया, लेकिन जो लोग पकड़े गए वो आदतन अपराधी है। इस क्षेत्र में पहले भी कई अपराध वो करते हैं। यहाँ पर जो हिरणों का झुंड, अभी क्योंकि गर्मी का समय है और जंगल में पानी नहीं है, और वो जब पानी पीने के लिए हिरण हमारे गांव की तरफ आते हैं तो वो उनको पकड़कर उनका भी शिकार कर रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र में अवैध मोटरसाइकिलों का जो मोटरसाइकिलें चोरी होती है, उन मोटरसाइकिलों के चोरी का काम वो लोग कर रहे हैं। इन सब को लेकर आज हमने यहाँ प्रशासन को अवगत कराया है कि ऐसे लोगों की सख्ती से जांच की जाए और सख्ती से जांच करने के बाद ऐसे लोगों पर रासुका की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कई सारी अवैध जमीनों पर जो कब्जे कर रखे हैं, उन अवैध जमीनों पर कब्जे जिन गरीब लोगों के हैं, उन गरीब लोगों को वो कब्जे दिलाए जाए। कई सारी स्थानों पर उन्होंने अपने अवैध मकान बना रखे हैं, ऐसे लोग जो उन्होंने अवैध मकान गिरा रखे हैं उन अवैध मकानों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होना चाहिए। इस विषय में आज सर्व समाज के सारे लोग, सब किसान भाई, गांव के सारे हम सब इस बात को लेकर आए हैं कि ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई इसलिए होना चाहिए कि ऐसी घटना की कभी पुनरावृत्ति ना हो और सख्त कार्रवाई होकर उस किसान को न्याय मिले। इस बात की मांग को लेकर आज सर्व समाज के लोग, सभी किसान बंधु यहाँ कलेक्ट्रेट में आए। कलेक्टर को आपने ये आवेदन दिया है, क्या बताया कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम ऐसे जो अपराधी है उनको पकड़ लिया गया है, उनकी सख्ती से जांच करा रहे हैं, जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उनके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हमने ये भी मांग की है कि ऐसे हमारा जो गरीब किसान है और जिस पर एसिड का एक बड़ा हमला हुआ है, शासन की आर्थिक मदद भी उनको दी जाए, संभवतः वो भी एक दो दिन में हमारे गरीब किसान को मिल जाएगी। तो आपने इस पे से जो मांग की है वो रासुका की है? रासुका की मांग की है, रासुका लगना ही चाहिए, क्योंकि लगातार ये इनकी जो प्रवृत्ति है, इस प्रकार का एक किसान, निहत्ता किसान, अपने खेत पर जाने वाला किसान, अपने जानवरों को चराने वाला किसान, जिससे किसी को लेना देना नहीं, जिससे किसी की दुश्मनी नहीं, उसके बाद भी आप देखिए कितना अमानवीय कृत्य किया है। ये अमानवीय कृत्य है। यदि आपकी कोई रंजिश चल रही हो तो समझ में आता है, केवल आपकी प्रवृत्ति अपराधी है और इस कारण से आपने हमारे निहत्ते किसान पर जो हमला जिस प्रकार एसिड का किया है, हम इसको सहन नहीं करेंगे, इसके खिलाफ रासुका कार्रवाई होना चाहिए। जैसे ही सोशल मीडिया के आधार पर बात करें तो बुलडोजर चलाने की भी बातें उस पर की जा रही है, और आप स्पेशली मांग रासुका की करते हैं, तो मतलब कौन सी कार्रवाई पहले होनी चाहिए, क्या इन पे बुलडोजर चलना चाहिए? देखो, अवैध अगर उन्होंने मकान बना रखे हैं तो अवैध कार्रवाई पर बुलडोजर भी चलना चाहिए, रासुका की कार्रवाई भी होना चाहिए, अपराधी पर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होना ही चाहिए, दोनों कार्रवाई हो। आज आपने यहाँ पे जो प्रदर्शन किया है, कलेक्टर के संज्ञान में जो मामला आपने दिया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? कल 7 बजे सीताराम मीणा हिरणीखेड़ा का अपने फार्म पे रहता है, उसको 3 गुंडों ने, बगल से उनका गांव है, वो जो फरियादी है वो जानता है और उसका खेत भी पड़ोसी है, ऐसे अपराधियों ने उस पर तेजाब डाला, मारने की हत्या की कोशिश की, पर किसी की मदद से वो बच गया। पूरे शरीर में तेजाब डला है, वो कुएं में पटकने चाह रहे थे, पर किसी पड़ोसी लोगों की मोटरसाइकिल से वो बच गया और अस्पताल में भर्ती किया। तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता कि जिंदा आदमियों को तेजाब डाल के मारा जाता है, और वे लोगों का ये भी पता चला कि उनका रिकॉर्ड अपराधियों का खराब है, वो हिरणों की भी हत्या करते हैं, गौओं पर, गौ माता होती है उस पर भी तेजाब डालते हैं। ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। हमारे क्षेत्र से सभी लोग, प्रतिनिधि सभी पार्टी के लोग आए हैं, हमने मांग की कि ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर भी चलाना चाहिए, रासुका लगाना चाहिए, जिससे आम गुंडा आगे चल के हौसला नहीं बढ़ा सके। ये हमने ज्ञापन कलेक्टर को दिया।
कलेक्टर महोदय एसपी महोदय ने आश्वासन दिया कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो कुछ एसी डटेक मामले पे किस प्रकार का ज्ञापन दिया है और क्या कार्रवाई का आश्वासन मिला है उनको? देखिए, कार्रवाई कल रात को एक बहुत गलत घटना हुई है जहाँ पर एक हमारे कृषक श्री सीताराम जी के ऊपर एसिड अटैक किया है और प्रशासन तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी वो जेल में निरुद्ध हैं और उनके खिलाफ हम लोग आगामी कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोग शीघ्र ही कठोर कार्रवाई भी इस पर करेंगे और जैसा भी नियमानुसार इसमें केस आगे बढ़ेगा हम लोग और कठोरता से कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि किसी प्रकार के ऐसे जघन्य अपराध पर हमको कड़ा कार्रवाई करनी है तो हम बिल्कुल नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करेंगे। एसिड अटैक हुआ है उसको कुएं में डालने की कोशिश की, कुछ अज्ञात हमलावर थे जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन उसके बाद अब ग्रामीण उग्र हो गए और बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नहीं, अज्ञात नहीं है, आरोपी के बारे में उसने बताया था और नाम दर्ज FIR की गई है, उसमें तीन आरोपी के नाम उसने बताया है जिसमें से मुख्तार है, भूरा है और दिलदार है, तीन आरोपी हैं, उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और तीनों आरोपियों को गिरफ्त में लिया जा चुका है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, ये क्या पुरानी रंजिश है? नहीं, ये खेत में भैंस जाने की बात पर से दोनों के मध्य विवाद हुआ था, उस बात को लेकर के तो घटना घटित हुई है।